यार ये छोटू एक बार आ गया है अपनी मिनी सारे आर्मी से। क्या बाहर क्यों आते हो यार बेला वजह? बाहर तुम्हें पता ही है, तुम्हें पता है ना बाहर सारे बड़े बड़े हैं, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें चोट लग सकती है, तो अंदर जाओ। तो भाई सारी जो हमारी है ना ज़ॉम्बी आर्मी है, सबको पहले आज खोल दिया, ये पहले घूम फिर ले इनको आराम से। देखिए कैसे कैसे मसाला, पहले नहीं बाहर निकल ही नहीं पाते थे, जैसे देखिए अब थोड़े थोड़े से पर आने लग गए ना तो भी तंग करने लगेंगे सामा, अब ये इसके अंदर मुश्किल रुकेंगे। देखो कैसे मुझे लगता है कि एक ब्लॉग और लगाना पड़ेगा हम लोग को। हाँ एक ब्लॉग ऐसे ही कच्चे कच्चे लगा देंगे बाद में। नहीं नहीं ब्लॉग गिर सकता है, कच्चा नहीं लगा सकते। खैर यार अभी थोड़े बढ़ेंगे फिर तो ये मुश्किल है। रुके देखिए ये पिंक वाला ना, पिंक वाला बड़ा चला यार, ये बड़ा तेज है, देखिए कैसे ये बार 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 आ रहा है, बहुत तंग करता है। क्यों तंग करता है, नहीं रुकेंगे थोड़े दिन बाद। हाँ नहीं खैर भाई अभी तो खैर थोड़े बहुत बड़े हो गए, पहले तो बहुत छोटे थे ना, अब ये थोड़े बड़े हो गए तो बाहर आए मसला नहीं है इतना। जब तक अपने शेरी को भी खोल देते हैं क्योंकि यार शेरी को फिर मौका नहीं मिलेगा बाहर घूमने का। शेरों के घंटा खोलते हैं उसके बाद और सबको खोल देंगे, किंग को नहीं खोलेंगे यार। किंग को जब खोलेंगे, जब सबको बंद करेंगे उसके बाद किंग को खोलेंगे, क्योंकि किंग जो हमारे ना कबूतर को ही मारता है, हमारे रेबिट को भी मारता है, हमारे चूजों को भी मारता है। तो किंग तुम्हारी सजा है, तुम अंदर ही रहोगे आज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं अपने किंग का अंडा। तो किंग मुर्गी ने अंडा दिया है? नहीं यार क्या कर रही हो तुम, एक अंडा दे के दो दिन फिर छुट्टी लेती हो यार, ऐसे नहीं किया करो यार। जल्दी जल्दी अंडे दिए करो ताकि हमारे सेटअप पे जल्दी छोटे चूजे आ जाए। अंडे दो और फौरन से कुड़क हो जाओ। ओहो यार हमारी मुर्गी की ना सूजी हुई है गाल। ओहो सामा यार मुर्गी को किंग ने मारा है, उसको पकड़ता हूँ निकालता हूँ मैं। यार हमारी मुर्गी को ना यहाँ पे ना जख्म हो गया, मुझे लगता है किंग नहीं मारा है क्योंकि कल उसको तंग भी बहुत कर रहा था ये। मैं दिखाता हूँ यार किंग ने, देखिए उसको कांटा मारा है, देखिए कितना सूज गया यार। सामा देख रहे हैं, नजर आ रहा है बाहर पूरा आ रहा है, ये देखो इस साइड से पूरा बाहर निकल यार। सामा पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, किंग के कांटे काट देंगे हम यार, आज काट देते हैं कांटे, और इसके कांटे काटते हैं, दोनों के काटते हैं। हरी बड़ी हुई है, दोनों के कांटे काटते हैं क्योंकि पहले रबड़ को मारा इसने आँख के पास। हाँ। अब इसको आँख के पास मारा करे, किसी किसी की आँख मार देगा फिर हाँ ना जख्मी कर देगा, अंधा कर देगा फिर, तुम्हारे काम के नहीं है। तो इसके कांटे काटने पड़ेंगे यार मुझे, चलो आज काट देते हैं। बेचारी को कितना गंदा मारा है इसने, पूरा स्वेलिंग हो गया उसके मुँह पे, आज काटते हैं। तुम ये पिंक वाला जो है देखे बहुत तंग करता है यार तुम, अरे 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 इतना शेर के काम देखो यार, उनको मार रहे हैं। देखता हूँ शेरू मारते हैं, इनको नहीं मारते, मुझे लगता है नहीं मारेगा शेरू इनको, मार रहा हूँ मैं। शेरू हल्का हल्का मारेगा मुझे लगता है, देखिए शेरू यार इनका खेल रहा है, तो देखते हैं शेरू क्या करता है। शेरू इतना अच्छा है, इतना बुरा नहीं है शेरू। ओ ओ तुमने देखा भाई, वो छोटे मार रहे, बड़ा नहीं मार रहा, छोटे मार रहा है वो, देखिए डर रहा है। देखिए वो तंग कर, इनको अंदर कर दे यार सामा, देखो कैसे दौड़ रहे हैं आगे पीछे यार। अंदर नहीं हूं मैं, मेरे को तो सबको एक बार बाहर निकाल ही देते हैं, भाग ले सही से एक बार। ये भी आ गया पर हाँ, मैं तो बोलता हूं बाहर निकाल, देखो सामा फिर देख के चलना पड़ेगा हम लोग को, हम साइड पे खड़े हो जाएंगे, इनको निकाल के आप फिर साइड पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यार ये बहुत छोटे छोटे हैं ना, पैर के नीचे नहीं आ जाए, और हम जब चलते हैं ना हमारे पीछे पीछे आते हैं, तो हमें ख्याल करना पड़ेगा इन सबको निकाल के, हमें ना एक जगह पे खड़े हो जाना चाहिए। बाकी सामा चील चील का ख्याल करना है, चील का भी ख्याल करना है, और शेरी भी खुला है, ये बड़े भी एक दो खुले हुए हैं, इन सब का ख्याल करना है हमें, और रैबिट भी खोल देते, मैं तो बोलता हूँ यार। ओ देखो उसामा, उसामा उसामा रैबिट को मार रहा है, बहुत शैतान है पिंक वाला खास तो। ये पिंक वाला बड़ा शैतान है भाई, ये ना शुरू से भी लड़ रहा था अभी, और अभी ना ये खरगोश को वो किसे मार रहा है। ये भाई सारे बाहर आ गए, अभी अपना पूरे सेटअप पे हल्ला उल्ला कर देंगे, देखेंगे अभी कैसे ना ये दौड़ते रहेंगे एक जगह। और ये भी ना बड़ी मुर्गियाँ जो ये डरती है इनसे, देखिए कैसे दौड़ते हुए आ रहे वो, देखिए कुछ वहाँ है कुछ यहाँ है कुछ यहाँ हमारे पैर। कबूतर भी सारे सारे डर गए बेचारे, हड़क गए, ये नए कबूतर ने पहली बार देखे तो सारे डर गए उसको, देखिए यार ये बड़े शैतान है यार, देखिए कैसे हो, देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। क्या मिल गया भाई, क्या खा रहे हो, दिखाओ मुझे क्या खा रहे हो। अच्छो इसको समझ रहे पानी है, इसको पीने की कोशिश कर रहे हैं, इनको पानी भी नहीं पिलाएंगे, इनको पहले बाजरा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे। हमारे शहराजी कबूतर ने काफ़ी सुस्त लग रहा है मुझे, हमारे शहराजी कबूतर में सुस्त लग रहा है, और हमारी वाली मादी जो है ना लाल गर्दन वाली ये भी सुस्त लग रही है, कल इनको मेरी मेडिसिन पिलाई तो है लेकिन फिर भी सुस्त है। जान स्टील ने अभी अटैक कर दिया चुक्स पे भाई हमारे, ये सारे घबरा गए, मुर्गे सारे कोने में छुप गए, हमारे मुर्गे सब डर गए। सामा बंद कर दे यार, बोले ओ सामा 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 पीछे देख क्या यार, इनका ना बड़ा ख्याल करना पड़ता है, इनको खोलो ना, एक चील के भी डर होता है, एक हमारा अपने डर होता है कि हम पैर ना रख दें, और चील का भी खतरा होता है यार, और ये हमारे मुर्गे ना ये भी बड़े मारते हैं। सामा इनको बंद करते हैं यार, सामा बंद कर दो इनको, तो कैसे दौड़ रहे इसके पीछे भाई, ज़ॉम्बी आ रही बड़ी खतरनाक है, बस चील का खतरा इनका। वो देखिए चील कैसे
भाई नीचे नीचे आ गई, कितने नीचे आ गई थी इसको देख के ना, चील काफ़ी नीचे आ गई है। पहले तो एक आई थी लेकिन अभी आस्ते आस्ते ना और ही ये रही, आस्ते आस्ते ना और आते जाएंगे। समझ छोड़ो सबको, सब है या और भी हैं, और बाकी है, कितने बाकी हैं? खास से 6-7 ओ सामो मार रहा है उसको, एक अंदर पिंजरे के अंदर मार रहा है वो। तो यार ये कहीं से भी चले जाते हैं अंदर, वो जो निकल गए इनको भाई जगह चाहिए हर जगह घुसने की, कहीं भी घुस जाते हैं ये, जाते रहेंगे। देखो ओसामा मैं तो बोलता हूँ ना, बाजरे को अंदर ही डाल दो सामा, वो भी दो आगे भी है। अरे एक शेर तुम तो बाहर आ जा, प्लीज़ अभी बाहर आ जाओ, प्लीज़ अभी इनको खाने दो। बाहर चील बहुत ज़्यादा, इनको बाहर नहीं छोड़ सकते, इनको अंदर रहने देते हैं। ओसामा बाजरा लाके डाल दो इनको, ताकि खा ले यहाँ बाजरा। ट्रे में और बाजरा भी लेकर आओ, पूरा बाजरा यहाँ रख दो। जान इनके आ गया ना, बाजरा रख दिया, अभी काफ़ी रिलैक्स से खा रहे हैं। टीकल को भी डाइट देते हैं, इसका प्याला निकालते हैं, दे रहा हूँ सवारी डाइट दे रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है? मैं दिल लेकर आया हूँ इसके लिए। सारा दिल है ईगल के लिए, चलो किस तरह के खाएगा अभी। ये छलांग मारी खाने लगे, आराम से खाओ भाई, ये बहुत भूखा रहता है भाई, इसको जितना भी खिला उसका पेट नहीं भरता है। एक टाइम में खा लेगा, आधे घंटे बाद फिर इसको भूख लग जाती है, इसको ना भूख लगती रहती है, इनका मैदा बड़ा तेज़ होता है। कबूतर का धान लेकर आया हूँ, लेकिन भी काफ़ी भूख लगी है ना, चलो भाई दाना खाओ। यार हमारे सरारी कबूतर जो है ना, ये काफ़ी सुस्त लग रहा है मुझे, एक ये वाला और एक जो नया कबूतर लाया ना, भी सुस्त है थोड़ा, और एक हमारा एक बार लखा, तो आज इनको थोड़ा ना मेडिसिन खिलानी पड़ेगी। मैं यार ये गीली रोटी खिलाते हैं इनको अभी। सामा यार ये प्याला ना बीच में रख दो, ये रोटी डालता हूँ उसके अंदर। कौन सा वाला? अंदर वाला, ये वाला यार, मगर जल्दी कर, वहाँ बीच में रख दो। रुको सब ले रहा, सबको ले रहा हूँ। अब खाओ सब, एक एक लेके भाग रहे, ये खाते नहीं है बल्ले के भागते हैं, इनका काम यही है, इससे खाओ जो खाना है। ये बाकी ना पेरू वेरू के लिए, थोड़ी रोटी अपने जोम्बी के लिए रखते हैं। यार जोम्बी के लिए सही से मैश करनी पड़ती है रोटी, नरम जो ज़्यादा नरम होती है ना। हाँ खा लेते हैं भाई, बहुत खाते हैं आजकल माशाल्लाह से। देखिए कैसे बीच में आके खा रहा है, सबर तुमको दे रहा हूँ यार, दो मिनट रुको सही, ये सब तुम्हारे लिए तो लेके जा रहा हूँ। चलो भाई हटो अभी देखते कैसे पड़ेंगे। सारे आओ। अब देखिए कैसे लेके भाग में स्टार्ट कर देंगे, अब बाजरा नहीं पूछेंगे, अब सब रोटी खाते रहेंगे। ये बेटा यहाँ क्या कर रहे हो, कोई तुमको एक चूच मार देगा ना, तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। तुम्हारे लिए यहाँ बहुत सारा ले कर आए, यहाँ अंदर आराम से खाते रहो, यहीं खाते रहो। यार हमारी रानी ना अंडा देने जा रही है ना, उसको ना अंडा चीन के साथ बंद कर देते हैं ताकि अंडा दे दें। अरे आरी मैं लेकर आ गया अभी ना, अपने दोनों मुर्गे के कांटे काटते हैं। शाम उठ जाओ, कांटा काटते हैं यार, आज सुस्ती हो रही है हमारी, चल रही है। मैं मुर्गा पकड़ के आता हूँ ना, फिर शाम में कांटे काटते हैं यार, क्योंकि ना यार ये नुकसान बहुत कर रहे हैं। शुरू आ जाओ सूर्य, तुम्हारे कांटे काटने पड़ेंगे हमें। भागो नहीं आराम से। हाँ भाई शेरू प्यारा बच्चा है, शेरू प्यार से आ रहा है आजकल, फोकस कर, प्यार कर रहा हूँ आजकल ना यार। पता नहीं इनको क्या हो रहा है, पता नहीं बिल और छलांगे मारते ऐसे ही, पता नहीं बाहर राया करेंगे, सब कुछ गिराएंगे, छलांगे मारते रहेंगे, पता नहीं क्या मसला है यार। थोड़े और छोटे हाँ इतने काट दो भाई जान। देखिए शेरू का ये काटा, हमने काट दिया ये वाला नज़र आ रहा होगा आपको ना, ये आधा कांटा इसके मेरे हाथ में, आधा इसके पैर में। तो यार अभी कांटे काटे ना, तो ये अब लड़ेंगे भी तो मसला नहीं है इतना, सिर्फ चेहरे पे चोट आएंगी, लेकिन ये कांटा वाटा नहीं मारेंगे। बारी हमारी किंग की, चलो बेटा किंग आ रहा, तुम भी आ जाओ किंग। तुमने बड़ा काम खराब किया, मुर्गी तुम आराम से अंडा दे रहे हो उसके अंदर, हम लोग थोड़ा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है? फाइनली किंग के कांटे भी हमने काट दिए, अब ये कि नुकसान नहीं करेगा, अगर ये लड़ भी जाए ना तो नुकसान नहीं करेगा, किसी को मारेगा ना बस खाली पर वगैरह टूटेंगे उसके, और कुछ नहीं होगा। पहले भाई मारते थे ना, सुराख कर देते थे, इससे हमारी मुर्गी का मुँह चेक कर सकते हैं आप, कैसा सुराख किया है, किस किस को मारने वाला है। इससे पहले तो हमारे शेरू को याद होगा आपने, यहाँ बड़ा गंदा से मारा था, और फिर परसों रैबिट को मारा, और आज मुर्गी को मार दिया, आगे भी बहुत नुकसान कर सकते हैं, तो इसीलिए ना एहतियात यही सही था ना कि इसके कांटे काट देने चाहिए थे। यार खरगोश जो हमारा ना फिर किंग के पास आ गया, उसको ना पकड़ लेते हैं, और ये वही खरगोश जिसको किंग ने मारा था। हाँ देखिए ना इसके मुँह भी सूजा हुआ बेचारे का, तो इसको ना इसके पार्टनर के पास छोड़ देते, इसके आराम से। यार इधर नहीं, तुम्हारे पार्टनर इधर है बेटा, तुम्हारे पार्टनर इधर जाओ, अपने पार्टनर के पास जाओ। ये सब के लिए यार पालक और थोड़ी सब्जी लेकर आया हूँ, देखें कैसे कर रहे हैं।
सारे जमा हो गए मेरी तरफ, तो पता नहीं कुछ भी नहीं खाए थे, सबर दे रहा हूँ। अरे लड़ो नहीं यार, अरे मुर्गी उसको खाने नहीं दे रही थी, इसको रैपिड को खाने नहीं दे रही थी, तो मैंने भी ऊपर ही डाल दिया। यार भी देखते हैं हमारी मुर्गी ने अंडा दिया ही या नहीं, क्योंकि सुबह वो काफ़ी आवाज़ें निकाली थी अंडा देने के लिए। तो अंडा आया भाई, नहीं आया, एक मिनट देखना पड़ेगा। अंदर रहो अंदर, तुमको खोलना नहीं है, अभी तुम ना रैबिट को मारोगे, तो अंदर ही रहोगे आज। हाँ अंडा आया है दोस्तों, वो देखिए नज़र आ रहा है, उसको मैं निकाल लेता हूँ अभी। किंग का पता नहीं, किंग कभी मार सकता है। ये आ गया उसका अंडा, तुम्हारे पास टोटल तीन अंडे नीचे होगा। इसमें ना एक और चूज़ा जख्मी कर दिखाता हूँ मैं आपको, वाइट चूज़ा है, उसके पैर पूरा पैर खा लिया लोगों ने यार, समझ। ये देखिए देखिए नज़र आ रहा होगा आपको, अभी ना मैंने देखा यार, ओहो यार एक चूज़ा ना काफ़ी बीमार यार है, लेटा हुआ, उसको निकाल के देखना पड़ेगा मर तो नहीं गया। यार ये दो चूज़े इनके पैर में देखिए चोट लगी हुई, इसके भी लगी हुई और इस ऑरेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा लगी हुई, और ये पागल जो है ना ये भी इसको खा रहा है, तो उसको सबसे अलग रखना पड़ेगा ऑरेंज वाले को, और इसको जो है ना मैं इनके साथ रख देता हूँ। चलो भाई तुम्हारे इसको सबसे अलग ही रखूँगा यार मैं, इसके ना काफ़ी ज़्यादा चोट लगी बेचारे की, देखिए देखिए कैसे सारा खून लगा दिया इसके। यार तकरीबन इन सब ने खा पी लिया और इनको ना ये मेडिसिन पिला के देते हैं, तो मगरिब भी होने वाली है, तो इसी के साथ भी इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।